त्रिभुज के प्रकार। आओ त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानें। आप यहाँ पर तीन त्रिभुजों को देख सकते हो और आप देख सकते हो कि तीनों त्रिभुजें भिन्न हैं। तो आओ देखें कि यहाँ पर अलग है क्या। पहली त्रिभुज जो बाईं तरफ है, आप देख सकते हो कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, और जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। इस प्रकार के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब मैंने कहा कि तीनों कोण भी बराबर हैं, क्या हम इसे सिद्ध कर सकते हैं? क्या इसे सिद्ध करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करके देखें? आप क्या करते हो कि आप दो समबाहु त्रिभुज बनाते हो, मतलब आप सुनिश्चित करें कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बिल्कुल एक समान लंबाई की होंगी, और इस प्रकार की दो त्रिभुज बनाएं। आप पहली त्रिभुज को स्थिर करें और दूसरी त्रिभुज को इसके ऊपर रख दें, और आप देखोगे कि अब पहली त्रिभुज पर पूरी पूरी आ जाएगी। तो आरंभ में कोण P कोण A के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। अब ऊपर वाली त्रिभुज को इस प्रकार घुमाओ कि कोण P कोण B के ऊपर आ जाए, और देखो कि यह B के साथ भी पूरी तरह से आता है। यदि तीनों कोण P Q R कोण A B C पर पूरे पूरे आ जाते हैं, इसका मतलब है कि कोण बिल्कुल ही बराबर हैं। इसी तरह से आप एक छोटे से प्रयोग के द्वारा जान सकते हो कि तीनों कोण बराबर हैं। अब मैंने पहले कहा था कि ये तीन कोण बराबर हैं, परंतु हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हम यह कैसे जानते हैं? हमने कुछ और प्रयोग किए हैं, आप इन्हें अन्य वीडियो में जांच सकते हैं, जहां पर हमने देखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, तो 180 को 3 से भाग करें, ताकि हम समझ सकें कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अगर आप चाहो तो आप एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर सकते हो और कोणों को चांदे की सहायता से माप सकते हो। आओ अब दूसरी त्रिभुज को देखें। आप देख सकते हो कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, और जब दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। इस तरह की त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर से आप ये जांच सकते हैं कि जब दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर हैं। आप ये कैसे जांच सकते हैं? फिर से एक छोटा सा प्रयोग करें। आप एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ध्यान रहे कि दो भुजाएं बिल्कुल बराबर हों, और इस प्रकार के त्रिभुज की दो प्रतियां बना लें। अब आप क्या कर सकते हैं? आप एक त्रिभुज को दूसरे के ऊपर इस तरह रखो ताकि कोण P कोण A के ऊपर आ जाए और कोण Q कोण B के ऊपर। अब आप ऊपर वाले त्रिभुज को घुमाएं, मतलब एक कोण R कोण A के ऊपर आ जाएगा और कोण P कोण C के ऊपर। अब अगर त्रिभुजें परस्पर समपाती हो जाएं, तो इसका मतलब है कि कोण A और कोण C बिल्कुल एक ही आकार के हैं। इसलिए इस तरह से भी आप जांच कर सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। अब आप इस तीसरे त्रिभुज को देखें। आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई भी भुजाएं बराबर नहीं हैं, और जब भुजाएं बराबर नहीं हैं तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा। इस तरह की त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा या कोई भी कोण बराबर नहीं होता। इस प्रकार की त्रिभुजें बताती हैं कि कितनी भुजाएं बराबर हैं। यहां पर एक अन्य प्रकार की त्रिभुज भी है। अब इस त्रिभुज को देखें। आप देख सकते हो कि इसके सभी कोण न्यून हैं। न्यून मतलब यह कि वो 90 अंश से कम है। इस प्रकार की त्रिभुजों को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं।
अब यहाँ एक और त्रिभुज है। यहाँ पर आप क्या देखते हैं? आप देख सकते हैं कि इसका एक कोण समकोण है। समकोण मतलब ऐसा कोण जिसका माप 90 अंश हो। जब एक त्रिभुज का एक कोण समकोण है तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। हमने कहा कि इसका एक कोण समकोण है। क्या इसके एक से अधिक समकोण हो सकते हैं? नहीं। पर क्यों नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक कोण का माप 90 अंश है, इसका मतलब है कि बचे हुए दोनों कोणों का माप 90 अंश होगा, क्योंकि 90 जमा 90 बराबर 180। इसलिए बचे हुए दोनों कोणों का योग इकट्ठा ही 90 अंश होगा। अर्थात हमने जो समकोण देखा, इसके अलावा और कोई भी कोण समकोण नहीं होगा। अब यहां अगला प्रकार है। आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में एक अधिक कोण है। एक अधिक कोण मतलब? एक अधिक कोण मतलब जिसका माप 90 अंश से अधिक होता है। इस तरह के त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। फिर से, क्या यहां पर एक से अधिक अधिक कोण हो सकते हैं? नहीं, यहां पर केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर एक त्रिभुज में एक कोण का माप 90 अंश से अधिक है तो यहां पर दूसरा कोण 90 अंश से अधिक नहीं हो सकता। तो कोणों के आधार पर त्रिभुजों के ये तीन प्रकार थे। अब आओ कुछ उदाहरण हल करें। इस त्रिभुज को देखें। यह कौन से प्रकार की त्रिभुज है? यह एक अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका एक कोण अधिक कोण है, जो कि 105 अंश का है। अब अगला प्रश्न यह है कि त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो कि तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। इसका मतलब यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज को देखें। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक समकोण है, और आप यह भी देख सकते हैं कि इसकी दो भुजाएं भी समान हैं। तो यह समकोण त्रिभुज है और यह एक समद्विबाहु त्रिभुज की तरह दिखता है, अर्थात यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें यहां से क्या समझ में आता है? हम दो प्रकार की त्रिभुजों को मिला सकते हैं। आप समकोण और समद्विबाहु को मिला सकते हैं और इसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं।